ओके सो फाइनली आई एम इन न्यू मार्केट. सो काफ़ी दिनों बाद लाइक एक साल बाद आई एम बैक इन माई प्लेस एंड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड बिकॉज अकेले आया हूँ एंड आई एम लिटरली ब्लैंक कि क्या क्या खरीदना है. आई हैवंट डिसाइडेड येट पर जो भी अच्छा लगे मुझे लेना है. बाय द वे दिस इज़ न्यू मार्केट. इस प्लैनेट में है ये. काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड काफ़ी चीप प्राइसेस में मिलता है जैसे कि दिल्ली का सरोजनी नगर और लोखंड वाला मार्केट इन मुंबई. कोलकाता का फेमस मार्केट है ये. सो अभी लेट्स सी लेट एक्सप्लोर द मार्केट एंड सी कौन सा सामान लेते हैं. सो फाइनली मैंने स्टार्ट कर लिया जर्नी अपना न्यू मार्केट में एंड अभी आई डिसाइडेड कि मुझे एक जॉगर्स लेना है फॉर माई वर्कआउट एंड एक ब्लैक टी शर्ट लेना है फुल स्लीव्स. सो वही देख रहे हैं अभी कहाँ से लूँ या कहाँ से ना लूँ. अभी फिर से मैं ढूंढना स्टार्ट कर चुका हूँ कि कहाँ से लेना है. ओके सो पहले ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पे है फिर आपसे आपको दिखाते हैं क्योंकि वैसे करके ना मतलब ना ब्लॉग में कर पा रहा हूँ ना सामान में देख पा रहा हूँ. सो ले दिस इज़ इंडियन म्यूजियम. यहाँ पे भी एक बार आना है. मार्केट के साथ ही लगा हुआ है एंड टिकट काउंटर की अगर बात करूँ तो दिस इज़ द टिकट काउंटर. सो अभी फिर से मैं ढूंढना स्टार्ट कर चुका हूँ कि कहाँ से लेना है. सो गाइस मुझे जॉगर्स लेना था तो मुझे ये वाला जॉगर्स पसंद आया. भैया कितना का? प्राइस ये 350 का मुझे पड़ा. सो एंड सारा मार्केट में सेमी प्राइस है सो दैट इज़ वाई अच्छा है कंफर्टेबल है. सो लेट्स टेक इट एंड सामने जाकर टी शर्ट भी लेना है. ये जो शॉप है काइंड ऑफ आप देख सकते हो यहाँ पे. सो आई गॉट माई बैगेज. सो जॉगर्स लेना हो गया. अभी मुझे एक ब्लैक टी शर्ट फुल स्लीव में चाहिए. उसका शॉप आगे है एंड बाय द वे मुझे जीन्स भी लेना है. सो वो उसके लिए हॉग मार्केट मुझे जाना पड़ेगा. सो जल्दी से टी शर्ट ले लेते पहले. तो अभी भैया से यहाँ से मैंने एक जर्सी भी ले लिया एंड इट्स क्वाइट चीप 100 का मिला मुझे. हाँ बाजार बहुत ख़राब है लेकिन भैया ही सिर्फ दे रहे हैं यहाँ पे एंड उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है. सो जस्ट लुक एट द स्टॉक. तो मैंने अपने लिए मीडियम साइज़ मंगवाया है. सो ये वाला लेते हैं एंड आगे जाते. तो मैंने एक नहीं बल्कि दो टी शर्ट्स ले लिया वहाँ से पर ब्लैक टी शर्ट मुझे अभी तक नहीं मिला. सो आई हैव टू जल्दी से पैसा सारा ख़त्म हो जाए मुझे ब्लैक टी शर्ट लेना है एंड भाई हमको ये मांगता है हम यही खोज रहे हैं. ऐसा नेक वाला ब्लैक कलर का चाहिए. सो आई थिंक यहाँ से मिल सकता है. गाइस मुझे ब्लैक कलर का टी शर्ट फाइनली मिल गया. ये बाटा का जो ऑपोजिट में दुकान है भैया का यहाँ से मुझे मिला एंड यहाँ पे काइंड ऑफ सारा कलर ही मिलता है. सो गॉट इट फॉर 250 रुपीज. सो लेते हैं एंड फाइनली अंदर जाते हैं. अभी टाइम टू ईट. सो लेट्स गो इन. भैया रोल होगा तो कितना करके भैया? एक रोल 27 एक दे दीजिए. सो फाइनली
एग रोल मैंने ऑर्डर कर दिया 27 रुपीज़। सो खाएंगे एंड फिर देखेंगे कि और कुछ लेना है कि नहीं लेना है, फिर वापस घर। सो एज मैंने कहा था कि आई विल बी टेकिंग एग रोल, बट मैंने फिर देखा कि 27 फॉर रोल, एग रोल एंड चिकन रोल इट वॉज फॉर 37, सो आई थॉट बेटर गो फॉर चिकन। एंड अभी व्हेनेवर आई कम न्यू मार्केट आई डेफिनेटली हैव दिस एंड ऑल्सो आइसक्रीम। अभी आइसक्रीम के लिए मुझे उधर में जाना पड़ेगा, दैट विल बी इन द डेजर्ट। सो अभी आगे जाना पड़ेगा बिकॉज आई नीड अ स्पॉट टू सिट एंड जहाँ पर मैं ऐश करके खाऊँगा। हॉग मार्केट इट इज। अगर आप अपने भाई को लेके और या बेटा को लेके आते हो तो फिर आपके पास से काफ़ी पैसे निकलने वाला है, बिकॉज व्हाट आई कैन सी फ्रॉम देयर कि एक्चुअली भीड़ है एंड बैठने का जगह लिटरली नहीं है। लैक्मे वालों ने पूरा तरीके से यहाँ पे कब्जा कर लिया है। लुक एट द लैक्मे एम्प्लॉइज। सो ओके फाइनली आई गॉट अ स्पॉट एंड ओके। सो ये खाली था, सो आई विल बी ट्राइंग माय रोल हियर। फाइनली स्पॉट मैंने बना लिया है, अभी लेट्स ट्राई दिस चिकन रोल। टेस्ट गजब है, इसीलिए मैं इसी शॉप से हर बार खाता हूँ। एंड 37 फॉर वन चिकन रोल। एंड अगर मैं अंदर दिखाऊँ, इट्स लोडेड विथ चिकन। आपको मैंने दिखाया था जब इट वॉज बीन गेटिंग प्रिपेयर्ड। सो आग बंद करके यू कैन ट्राई दिस इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टेस्ट। দেখি সুন্দর লাগছে, দেখ দেখ খাওয়ার জন্য 10 টাকা দিতে হবে নিবি? আমি তো ফোন নেবো না, ফোন নিয়ে কি করবো? দিদি আমার কাছে খুঁজো, এটা আমার কাছে হয়তো নেই। सो डन विथ माई फूड, अभी आइसक्रीम टाइम। सो मुझे अभी एंड काफ़ी अच्छा सजा है, सिम पार्क मॉल। सो अभी यहाँ से मोर 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस जहाँ से मैं आया था वहीं पर जाना है एंड देन आई हैव आइसक्रीम। एंड माई फेवरेट फ्लेवर इज डेफिनेटली शॉप में जाके आपको पता चलने वाला है। सो लेट्स रोल इन द गेम्स। चलिए अभी आइसक्रीम टाइम। तो मैंने 2-in-1 ऑर्डर कर दिया। लेट्स हैव इट ब्रो। सो फाइनली मुझे आइसक्रीम खाने का, बिकॉज हाथ में फुल ऑफ बैग्स एंड मोबाइल रखने का कोई जगह नहीं है। तो दिस इज द आइसक्रीम, इट्स टेस्ट। स्पाइसी के बाद डेजर्ट takes the whole game. So let's have it. So इसे खाने में थोड़ा टाइम लगेगा एंड आई डोंट वांट कि मैं जल्दी से इसे खत्म कर दूँ। सो मैं आगे जाके आपसे बात करता हूँ, टिल देन आई कंप्लीट माई आइसक्रीम। सो व्हाट इज, सो फाइनली बैक टू दमदम। अभी घर जाने का समय आ चुका है, घर जाना है। And I must say one thing कि वीडियो शायद आज ही यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, बिकॉज नहीं तो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आप देखने वाले हो जितना भी शॉपिंग मैंने करी है
उसका एक हॉल, मतलब इफ़ यू बाई फॉर योर सेल्फ, बिकॉज दाम तो काफ़ी रिजनेबल है, काफ़ी चीप है, बट क्वालिटी या फिटिंग्स या आप किस तरीके से दिखते हो उस क्लॉथ्स में, वही बात है। तो मेरा पैंथर सामने खड़ा हुआ है, सो टाइम टू एंड द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद अ फ्रेंड। टिल देन, हर महादेव एंड